A very good morning, everyone. So welcome back to Sankat Mocham for General Awareness. So again, we are back with our mains answer writing series, which is going to be very useful for all the examination, for all UPSC, PCS examination, and also for the examination, क्योंकि हम इसमें mains में जो answers बनाएंगे, उसके अंदर जो हम content अपना इस तरह से हम लोगों ने design किया कि उससे mains में भी mark मिलेंगे, और उसमें जो आप information gather कर सकते हैं, वो आपके PT या फिर MCQ type questions में भी कहीं ना कहीं help करेगा ही करेगा. It is holistic. So that is what we are here for, to give you a holistic understanding of things. So yes, please like, share and subscribe our video, and that is all we are asking for. And without any further delay, let's get right to the question itself. So aaj hum log history ka question karne wale address. To aaiye dekhiye, हिस्ट्री का जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. आजकल अगर न्यूज में भी देखें तो बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन उठ रहा है. तो नाम, सो व्हाट इज नाम, ठीक है, व्हाट इज नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ओके, एंड इज इट रेलिवेंट इन प्रेजेंट सिनेरियो. ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, एंड इट इज 15 मार्क, बिकॉज इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें पहले पूछा जा रहा है कि नाम है क्या, और फिर दूसरा पार्ट में बोला जा रहा है, आपको करेंट से बिलिंग करवाया जा रहा है, और पूछा जा रहा है क्या वो इस सिनेरियो में, क्योंकि हम लोग आजकल अगर आप न्यूज़पेपर में देख लीजिए या बहुत सारे डिबेट्स भी सोशल मीडिया में चलता है कि नाम जो है वो अब रेलेवेंट नहीं रह गया. बट एक आपको ये पता होगा कि नाम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इस पे अगेन यूपीएससी में डायरेक्ट ऐसे आया हुआ है, तो हम इसलिए होलिस्टिक तरीके से यहाँ पे हम लोग आंसर लिख रहे हैं, और हम इस पे फ्यूचर में एक वीडियो भी बनाएंगे जिसमें नाम को हम लोग आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाएंगे. यहाँ पे हम आपको आंसर पर्सपेक्टिव देगी, जीएस में आप आंसर्स कैसे लिख सकते हैं, कितना इंफॉर्मेशन आपको पिक करना है, उस हिसाब से बताएंगे. तो क्वेश्चन सोशल मीडिया में क्या है कि नाम अब रेलेवेंट ही नहीं है, बट वी एज पॉलिसी मेकर्स, वी एज फ्यूचरिस्टिक पीपल हियर शुड आंसर दैट नाम व्हिच वाज क्रिएटेड बाय इंडिया रिमेन्स relevant and shall always maintain its relevance. But again, there are certain challenges also. So those challenges ko kaise hum overcome kare? So these are the things that we have to talk about. So again, to relevance kya hai? Challenges kya hai? Usko overcome kaise kare? So again, teen formula jo hum logon ne diya hai: understanding, second, critical analysis, third, futuristic approach. So isi tarah se hum log apna answer banayenge rather than going by traditional aspect of just matlab intro body. That is to there. But the understanding that we have to have. So this is what we are telling you and asking you to adopt in this approach at Sankat Mocham for General Awareness. So yes, तो पहले हम लोग approach को discuss करेंगे और उसके बाद हम लोग answers को sentence formation में भी लिखेंगे. So that it helps you and it kind of gives you an idea. You don't have to follow the exact words, but you have to learn the art कि कैसे answers को develop किया जाता है. So yes. तो अगर हम नाम की बात करें, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट नाम, तो नाम जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये हम लोगों ने कब दिया था, तो ये किस बैकड्रॉप में आया था, ये आपको पता ही है. तो अगेन जब कोल्ड वॉर हो रहा था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो ब्लॉक्स बन गए थे, एक था यूएसए और एक था सोवियत यूनियन, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी फॉर बिकमिंग द सुप्रीम पावर, ठीक है, फॉर बिकमिंग द सुप्रीम पावर, कि दोनों में से कौन जीतेगा, ठीक है. तो इस पे अगेन यही क्वेश्चन को एड्रेस करते हुए हम लोगों ने बताया, इंडिया से भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कौन से ब्लॉक को ज्वाइन करेंगे, पर हम किसी ब्लॉक को क्यों ज्वाइन करें. सिंपल, द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, व्हाई शुड इंडिया से कि मैं आप यूएसए तुम्हारे साथ हूँ, या फिर यूएसएसआर मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्यों? हम लोगों को अपनी ऑटोनॉमी, हम लोगों को अपना एक इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस रखना था. इंडिया हैज ऑलवेज मीन इंडिया एज अ सिविलाइजेशन हैज ऑलवेज बीन नोन फॉर इट्स इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टैंड सिंस सेंचुरी सिंस टाइम इमेमोरियल. अगर आप बात करें तो सबसे पहला जो सिविलाइजेशन आया है दैट इज इंडिया, राइट, इंडस वैली सिविलाइजेशन. सबसे पहला जो प्रॉपर अर्बन एस्पेक्ट्स अगर हमें देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लिखते हैं. तो आप देख सकते हैं कि इनोवेशन थॉट प्रोसेस या हमारा फिलोसॉफिकल स्कूल्स, हमारी वेदास, तो यहाँ सबसे हमें पता लगता है कि हमारा, या चाणक्य नीति ले लीजिए, ठीक है, चाणक्य नीति सबसे पहला जो टेक्स्ट है जो हमें दिखता है फॉरेन पॉलिसी पे. तो फॉरेन पॉलिसी जब हम लोग चाणक्य नीति से, तो हम यहाँ पे आके किसी ब्लॉक के साथ क्यों चले जाएं, हम क्यों किसी का माने, तो वही सब पैटर्न हमारे जो नेहरू थे उनके दिमाग में था और वहां पे, तो इसीलिए मैं नेहरू को यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में देखती हूँ. क्यों? क्योंकि टू टेक दैट स्टैंड इज अगेन इट्स
रेलिवेंट. ओके, तो दैट एस्पेक्ट की कैसे हम लोगों ने रेलिवेंट बनाया. तो दिस इज द बैकड्रॉप. अब राइट टू द अप्रोच ऑफ द आंसर. तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये तो जीएस में कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को सीधा सीधा व्हाट इज पूछा है, तो सीधा सीधा पॉइंट पे आइए. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे 1961 में बेलगार्डे कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें ये जो नैम ऑर्गेनाइजेशन है ये बींग में आई. ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को ये क्लियर कर देना है. अब इसमें हम लोग बोलेंगे कि इसमें कौन कौन से मेंबर्स थे, तो तीन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज यहाँ पे हमको दिखती हैं जिन्होंने मिलके ये नाम को बनाया है, उनका भी आपको नाम लिखना होगा. तो सबसे पहले तो आपको पता ही है नेहरू, जो कि इसको कौन सी कंट्री, इंडिया. ठीक है, सेकेंड अगर मैं बात करूं तो जोसेफ, जोसेफ जोसेफ ब्रॉस टीटो, जो कि थे यूगोस्लाविया. तो ये कंट्री अगेन, अब यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा जैसे आपके एसएससी एग्जाम में कि क्या कौन सी कंट्री के कौन से लोग थे नाम में, तो अगेन यहाँ से आंसर्स निकल रहे हैं आपके एमसीक्यूज के भी. तो यूगोस्लाविया. ठीक है, जोसेफ ब्रोस टीटो फ्रॉम यूगोस्लाविया एंड गेमल गमल अब्दिल नसर फ्रॉम, तो अगेन नसर इजिप्ट. ये नाम आपको थोड़ा सा याद रखने होंगे, तो नेहरू इंडिया, जोसेफ ब्रोस टीटो यूगोस्लाविया, गमल अब्दुल अब्दुल नजार, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट एग्जैक्टली बट यस, गमल अब्दुल नजार फ्रॉम इजिप्ट. दीज वर द थ्री इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड विद आवर ऑर्गेनाइजेशन और आवर प्लेटफॉर्म दैट इज कॉल्ड एज नैम. तो ये आपका इंट्रोडक्शन में आ जाएगा जिसमें आपने इंफॉर्मेशन दे दी, 1961 बेलगार्डे कॉन्फ्रेंस, नेहरू इंडिया, जोसेफ टीटो यूगोस्लाविया एंड गमल नजार फ्रॉम इजिप्ट. तो तीन कंट्रीज. ठीक है, आप कोई और कंट्री का नाम दे, नहीं आपको ये तीन कंट्रीज के नाम याद रखने होंगे. यहाँ पे आपने दे दी, अब आगे व्हाट इज, तो अगेन फिर आप बात करेंगे नाम है क्या, व्हाट इट इज, आपने बता दिया फॉर्मेशन और पर्सनालिटीज पर है क्या एग्जैक्टली. तो एग्जैक्टली अगर आप बात करें तो नाम जो है वो इमीडिएट उसका रीजन क्या था, तो रीजन फॉर इट्स फॉर्मेशन, पॉइंटर्स में लिखिए रीजन फॉर इट्स फॉर्मेशन. ठीक है, तो क्या था फॉर्मेशन, तो टू ब्लॉक्स जिसके हम लोगों ने बात करी ली है, तो जिसमें क्या क्या था, एक था यूएसए और एक था क्या सोवियत यूनियन. ठीक है, प्लस एक तो ये रीजन था, प्लस अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस, राइट, द लीडरशिप रोल दैट वी प्लेड, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम बात क्या करेंगे कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये दोनों फोर्सेस जो है अगेन कॉलोनियलिज्म के एस्पेक्ट को भी हम लोग यहाँ पे काउंटर करते हैं, तो कॉलोनियलिज्म टू काउंटर कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म. ठीक है, इंपीरियलिज्म एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, या जिसको आप कहते हैं क्या अपार्थीड. ठीक है, तो अपार्थीट को यहाँ पे हम लोगों ने काउंटर किया. तो अगेन किसी एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में या फिर किसी एग्जाम में मैंने देखा है ये क्वेश्चन कि अपार्थीड क्या होता है, तो अपार्थीट का क्या मतलब है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, राइट. तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन काउंटिंग कॉलोनियलिज्म इंपीरियलिज्म रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो दीज आर द थिंग्स दैट आर द रीजन फॉर इट्स फॉर्मेशन. हम लोगों ने साफ साफ क्लियर कर दिया कि भैया हम लोग आपकी बात नहीं मानने वाले हैं, हम लोगों का खुद का लीडरशिप है. तो लीडरशिप रोल ऑफ वॉट, ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, ऑफ द रिसेंटली डीकोलोनाइज कंट्रीज, तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे लीडरशिप रोल प्ले किया. सेकेंड अगर हम बात करेंगे कि सेकेंड पॉइंट क्या है, वॉट इज में ही अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव की हम लोग बात करेंगे. ठीक है, ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, क्या क्या हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने कह दिया कि यूएसए और यूएसएसआर दोनों का साथ हम लोग नहीं देंगे, तो क्या हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोग ये कह दें कि भैया हम कोई स्टैंड ही नहीं लेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, ऐसा नहीं था. इट वॉज जैसे आज लोग हम लोग देखेंगे तो बहुत लोग प्रेजेंट करते हैं कि नैम का जो स्टांस है वो ये है कि न्यूट्रल नहीं रहना है. ठीक है, कि बहुत लोग कहते हैं कि ये तो न्यूट्रल है, कोई स्टैंड ही नहीं है, नहीं, न्यूट्रल इट वॉज नेवर इंटेंडेड टू बी न्यूट्रल, इट वॉज मेंट टू टेक स्टैंड ऑन मेरिट ऑफ ईच केस, मेरिट ऑफ ईच केस, हर एक सिचुएशन जो भी उठेगी तो
उसको हम लोग मेरिट्स के उस पे देखेंगे, ठीक है, कि क्या ये सही है, क्या इसके पॉजिटिव्स हैं, क्या इसके नेगेटिव्स हैं, इस सब के हिसाब से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मेरिट ऑफ द ईच केस, कि ऐसा नहीं है कि हम बोल देंगे हम हमेशा यूएसए के, यूएसएसआर, या हम कोई स्टैंड ही नहीं लेंगे, हम लेंगे, बट क्या आप सही हैं, क्या गलत है, इस टर्म्स में हम लोग लेंगे। और दूसरा अगर हम बात करें तो वही कलोनियलिज्म और इन सब के अगेंस्ट था, ये लोग हम लोग बात पहले कर चुके हैं। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिसमें हम लोग इक्विटेबल ऑर्डर की बात करेंगे, इक्विटेबल ऑर्डर, ठीक है, इक्विटेबल ऑर्डर। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे कोई वो नहीं होगा कि आप एक कह देंगे कि इक्विटेबल नहीं है, या हम लोग बात कर देंगे कि थर्ड वर्ल्ड को वॉइस नहीं मिल रहा है, ये सब हम लोगों को नहीं करना है। हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना है जहाँ पर हर आदमी की एक वॉइस हो, दैट एस्पेक्ट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और थर्ड अगर हम बात करेंगे तो हम लोग क्राइसिस, क्राइसिस कहाँ से आ गया, अभी हम लोगों ने फॉर्मेशन कर लिया, ऑब्जेक्टिव बता दिए, क्राइसिस भी तो है, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कोई चैलेंजेस ही नहीं रहे, तो चैलेंजेस एंड द क्राइसिस पीरियड, एंड द क्राइसिस पीरियड, ये भी आप अब इसमें ही बता देंगे कि क्यों क्वेश्चन उठ रहा है। तो सबसे पहला तो 1991 ईयर, द ईयर 1991, जहाँ पे क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन हो गया सोवियत यूनियन का, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। अब जब यूएसएसआर ही खत्म हो गया तो एक ही पावर रह गई यूएसए, तो क्या जो आपने कहा था कि दो ब्लॉक्स हम किसी नहीं हम मेरिट पे देखेंगे, क्वेश्चन उठ रहा है, क्योंकि अब तो एक ही सुप्रीम पावर बन गया ना यूएसए, अब तो भैया कॉम्पिटिटर ही खत्म, कॉम्पिटिटर ही खत्म, तो फिर बात ही कहाँ है कि आप स्टैंड किसके बेसिस पे लोगे, तो दैट एस्पेक्ट। और सेकेंड जो देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द डीकोलोनाइजेशन जो है ऑलरेडी हो गया था, तो आपका जो एम था कि डीकोलोनाइजेशन करवाएंगे, स्मॉल पावर्स का साथ देंगे, उनकी वॉइस बनेंगे, तो डीकोलोनाइजेशन तो ऑलरेडी हो रहा है, ऑलमोस्ट अचीव हो ही चुका था, 99% अचीव हो चुका है। तो आप क्या बात कर रहे हैं कि जब सारे दोनों ऑब्जेक्टिव जिसके लिए आप बने थे वही नहीं रह गए, तो क्या आप रेलेवेंट है, क्राइसिस यहाँ पे हमको दिखता है। आगे हम बात करेंगे कि रेलेवेंट कैसे है, तो क्राइसिस। और अब चैलेंजेस हमने बता दिया, ठीक है, फोर्थ हम क्राइसिस को यहाँ पे चैलेंजेस को हम कर देंगे कि न्यू रोल ऑफ नैम, न्यू रोल ऑफ नैम, ठीक है। अब न्यू रोल क्या है नैम का बताइए, देखिए जो रीजन बना था वो खत्म, जिस वजह से बना था अब उस पर बात ही नहीं उठ रही, न्यू रोल क्या होगा। तो यहाँ पे न्यू रोल अगर हम बात करेंगे तो न्यू रोल ये है कि पीस, द ग्लोबल पीस, ठीक है, पीस, सिक्योरिटी, इन सब में हम लोगों को एक साथ आना है। अब नया रोल जो अस्यूम कर रहा है, दैट इज व्हाई नैम रिमेन्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग स्टैग्नेंट नहीं है, हम लोग एक ही चीज पे रुके नहीं हुए हैं, हम लोग अपना फॉर्मेट भी चेंज करते हैं। तो पीस, सिक्योरिटी, क्या आपको लगता है कि इस तरह से यूएन भी रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि यूएन तो किसी तरह से कोई भी गोल अचीव ही नहीं कर पाया है, जिस जिस द वेरी रीजन फॉर विच इट वॉज फॉर्म्ड, हैज इट बीन एबल टू अचीव दोस, नो। तो अगेन, तो वहां पे वहीं पे अगर देखा जाए नाम, तो नाम सिक्योरिटी एस्पेक्ट या पीस एस्पेक्ट, ठीक है, अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो इसलिए दैट आइडिया ऑफ चेंजिंग रोल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, द आइडिया ऑफ अज्यूमिंग न्यू रोल। तो दैट इज वाई लाइक एवरी इंडिविजुअल हम लोग सोचते हैं क्या, अरे हम लोगों का ये एम पूरा हो गया अब हमारा क्या इंपॉर्टेंस, नहीं, द इंपॉर्टेंस इज समथिंग दैट यू डिफाइन एंड यू क्रिएट एवरी डे, ठीक है, हर डे आप अपना रोल को डिफाइन कर सकते हैं, हर डे आप अपने आपको एक नया पर्सनैलिटी दे सकते हैं, एंड सेम गोज विद इंटरनेशनल ऑर्डर, अंडरस्टैंड इट इन ह्यूमन लैंग्वेज, लाइक दिस इज अ प्लेयर, दिस इज द पावर, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज द टू, इस टर्म्स में अगर आप इंटरनेशनल ऑर्डर या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन, या फिर अगर आप बात करेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, किसी को भी पावर के हिसाब से, ठीक है, ए बी सी करेक्टर, चेस बोर्ड के हिसाब से अगर देखेंगे तभी आपको एक तरह से मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो दैट इज द थिंग दैट आई वॉन्ट टू इंकल्केट इन योर माइंड। तो यहाँ पे आपने न्यू रोल की भी बात करी, तो इसी से ही हम निकालेंगे कि रेलिवेंट भी है, ठीक है। तो पहले आपने क्या बात किया, पहले आपने बात किया कि रीजंस क्या थे फॉर्मेशन के, सेकंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, थर्ड चैलेंजेस क्या है, और फोर्थ न्यू रोल क्या बनता है। अब आप बात करेंगे प्रेजेंट रेलिवेंस, प्रेजेंट रेलिवेंस ऑफ नैम,
ये सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा है। तो प्रेजेंट रोल अगर हम बात करेंगे तो ये बात करेंगे कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, देखिए लोग कहते हैं कि नाम हमारी फॉरेन पॉलिसी में कभी नहीं है, बट नाम हैज ऑलवेज बीन एन इंटीग्रल इंटीग्रल पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका इंटीग्रल पार्ट हमेशा से कौन रहा है? नाम। मैंने क्या कहा? सिविलाइजेशन। क्या जब मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का एग्जांपल दे रही थी या मैं चाणक्य नीति की बात कर रही थी, क्या तब नाम था? नाम 1961 में है, तो मैंने वहां पे भी दिया। और क्या आज से 100 साल बाद भी जब नाम मतलब हम लोग नहीं रहेंगे तब भी नाम फॉरेन पॉलिसी का इंटीग्रल पार्ट रहेगा? क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा से पहले भी आज भी और कल भी एक आइडिया को फॉलो करते हैं, दैट इज स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है, इसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो दैट एस्पेक्ट अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक है, हम लोग किसी भी तरह से किसी भी पावर के इन्फ्लुएंस में आके अपनी सॉवरेनिटी को या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, तो यहाँ पे ये दो वर्ड आ गए, सॉवरेनिटी। देखिए कैसे आंसर्स अपने आप बनते हैं, सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इसको भी हम लोग मेंटेन करते हैं, और ना ही सिर्फ अपनी बल्कि हम दूसरे नेशंस को भी, क्योंकि इंडिया एक ऐसी पावर है जिन्होंने हमेशा कहा है कि हम दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। तो डीकोलोनाइजेशन का एम भले ही अचीव हो रहा है, हो चुका है, बट क्या वो डीकोलोनाइज कंट्री फ्यूचर में कभी कॉलोनाइज नहीं हो सकती? तो ना हो फ्यूचर में कभी कॉलोनाइज, इसको इंश्योर करने के लिए नैम एज अ प्लेटफॉर्म इज ऑलवेज गोइंग टू इंश्योर द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। तो यहाँ से ये पॉइंट आ गया हमारे पास। थर्ड अगर हम बात करेंगे तो साउथ साउथ कोऑपरेशन, साउथ साउथ कोऑपरेशन। ठीक है, अब इंटरनेशनल ऑर्डर में देखा जाए तो एक होता है हमारा वेस्ट, एक होता है हमारा ईस्ट, या आप टर्म्स में देख लीजिए नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ में जो ज्यादातर कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड हैं, वहीं पे साउथ में अगर बात करें तो ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वो कभी ना कभी कॉलोनी रह चुकी है, डेवलपिंग फेज में है। तो ग्लोबल साउथ के लिए भी ये प्लेटफॉर्म हमारा बनता है, और ग्लोबल साउथ का जो कंसेप्ट है प्रेजेंट डे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगेन द बेस नैम, सो ग्लोबल साउथ। ठीक है, का यहाँ पे एस्पेक्ट हो गया। तो आप ग्लोबल साउथ की भी बात करेंगे तो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हो गया, या फिर बात करेंगे कि पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, तो आप ग्लोबल साउथ की बात करें। अब ग्लोबल साउथ के कुछ कुछ डिस्प्यूट्स भी हैं, तो पीसफुल फुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, तो उसका इन सब का अगर नाम एक प्लेटफॉर्म एज अ सक्सेसफुल आ जाए जिसकी आइडियोलॉजी ही इतनी आइडियलिस्टिक है, तो उस वो एक प्लेटफॉर्म बन सकता है फॉर अ पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। तो दैट अगेन, क्योंकि हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। देखिए यूएन की बात करें तो यूएन का हम क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? आज तक यूएन में रिफॉर्म नहीं हुआ। आज तक अगर मैं सिक्योरिटी काउंसिल की बात करूं तो अफ्रीका से कोई मेंबर नहीं आया। अगेन आप पॉलिटिक्स समझ रहे हैं, और कभी भी मतलब रिफॉर्म होने के चांसेस, यस वी इंडिया आर प्रेसिंग फॉर यूएन रिफॉर्म्स, बट डू यू थिंक दे एवर विल ट्राई टू और विल एम एट मे बी ब्रिंगिंग अबाउट रिफॉर्म? दे शुड, बट विल दे? दैट्स द क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसको भी एड्रेस करता है। तो इसीलिए हमारा नैम प्लेटफॉर्म ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म इसलिए है क्योंकि हमारा प्रिंसिपल्स ही इतने अच्छे हैं जिसपे वो बना है। तो पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स के लिए भी वो काम कर सकता है, और इसी का एग्जाम्पल देख सकते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, क्या ही कोऑपरेटिव या फिर क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए भी एक प्लेटफॉर्म बनता है, एग्जाम्पल कोविड, कोविड-19 क्या हो रहा था? बेस्ट क्या कह रहा था कि भैया पहले मैं जो है अपनी खुद की लोगों को दवाइयां पहुंचाऊंगा। वैक्सीन, वैक्सीन नेशनलिज्म करके एक वर्ड आ गया था, वेस्ट को हम लोगों ने क्रिटिक करने के लिए एक वर्ड निकाला था जिससे हम कहते थे वैक्सीन नेशनलिज्म, कि आप लोग सिर्फ अपने नेशनलिज्म को वैक्सीन में क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं आप ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं? क्यों नहीं आप लार्जर ऑब्जेक्टिव कि हर इंसान बचना चाहिए आप अपने स्टॉक में रख रहे हैं कि कल को कोई पेशेंट बढ़ गए तो हम, पर वही स्टॉक में से आप वो लोगों को नहीं दे पा रहे हैं अफ्रीका में या फिर जितनी भी कंट्रीज जहाँ पे प्रॉब्लम इतनी हो रही है वहां पे आप नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि स्टॉक कभी फ्यूचर में आ जाएगा, आज के लोगों को आप मरने दे रहे हैं। तो इस तरह का क्राइसिस मैनेजमेंट, देखिए वेस्ट जो है वो कभी भी इतना सेंसिटिव दूसरी कंट्रीज के प्रति नहीं हो सकता,
ठीक है, तो दिस आइडिया, तो अगेन वहां पे भी हम लोगों को लीडरशिप रोल प्ले करना है, तो क्राइसिस मैनेजमेंट में भी हम लोग काम करेंगे. यही हम लोगों ने पांच यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रॉड पॉइंट्स दे दी हैं, जिसको हम लोगों ने मतलब एकदम कोर पे हिट करते हुए कि इंटीग्रल पार्ट है हमारी फॉरन पॉलिसी का, सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी हर कंट्री की, साउथ साउथ कोऑपरेशन, पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, क्राइसिस मैनेजमेंट, यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली और क्रिटिक भी कर दिया वेस्ट को ऑन वैक्सीन नेशनलिज्म. इसी को ही एंड करते हुए हम लोग कंक्लूड करते हुए कर देंगे कि यस देयर आर चैलेंजेस. ठीक है, तो चैलेंजेस, यस डेफिनेटली देयर आर चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट, लैक ऑफ कंटिन्यूअस एंगेजमेंट. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें लोग कंटिन्यूएशन पे काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है. बट स्टिल इट नीड्स, इट इज स्टिल नीड्स टू बी एन एक्टिव प्लेटफॉर्म, एक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर द लीडरशिप, फॉर द लीडरशिप रोल दैट इट हैज प्लेड प्लेड दस मेंटेनिंग इट्स रेलिवेंस, दस मेंटेनिंग इट्स रेलिवेंस. ठीक है, तो ये बात हमने कॉन्क्लूजन में भी कर दी कि हाँ चैलेंजेस हैं, रोज मीटिंग नहीं हो रही है, बीच बीच में कमी आ जाती है एंगेजमेंट की, तो वो हम अगर ओवरकम कर लें तो प्रेजेंट डायनेमिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपने चैलेंजेस को भी एड्रेस कर लिया, आपने उसके साथ साथ अप्रोच भी बता दिया कि हाँ रेलिवेंट है, आपने एग्जामिनर को बता दिया कि आप मानते हैं कि वो रेलिवेंट है, तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर एंड अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई वुड से इन अ वेरी इजी एंड अ ल्यूसिड फॉर्मेट. ओके, तो आपने रोल भी बता दिया, आपने इसका रेलिवेंस भी बता दिया और आपने कॉन्क्लूड भी कर दिया, तो दिस इज अ गुड आंसर फॉर अ 15 मार्कर. ओके, दिस इज अ गुड आंसर फॉर अ 15 मार्कर, एंड बिलीव मी यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स इफ यू अडॉप्ट द काइंड ऑफ अप्रोच दैट आई हैव सेड. तो इसीलिए हम लोग आपके साथ हर रोज क्वालिटी आंसर्स, देखिए फालतू के चीजें को, हजार चीजों को पढ़ने से अच्छा है, जैसे मार्केट अगर मैं बात करूँ तो एजुकेशन इंडस्ट्री में जो मार्केटाइजेशन हो चुका है ना, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने ये इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं टू रीच टू द मैक्सिमम पीपल, टू हेल्प देम, ओके, एंड टू प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट. ठीक है, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि मार्केट में भी अगर आप देखें तो आप पैसे देकर भी अच्छे आंसर्स को नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में है ही नहीं. तो इसीलिए एक हम लोग जो आपको हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. तो लेट्स गेट टू द आंसर इटसेल्फ, कि इसी को ही मैं सेंटेंस फॉर्मेशन में कैसे लिखूंगी, तो दैट अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच, लाइक हाउ टू पुट द ऑल दीज पॉइंट्स इन सेंटेंस फॉर्मेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैं हट जा रही हूँ यहाँ से. यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज नेम एंड इज इट रेलेवेंट इन प्रेजेंट टाइम्स, 15 मार्कर. ठीक है, अब आंसर्स कैसे लिखने हैं, तो आंसर की अगर बात करूं तो नाम एज एन ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस एट फर्स्ट बेलगार्डे कॉन्फ्रेंस ऑफ 1961. ठीक है, 1961. पर्सनालिटीज पर्सनालिटीज एसोसिएटेड विद नाम्स फॉर्मेशन इंक्लूड्स नेहरू, जे एन जवाहरलाल नेहरू,
फ्रॉम इंडिया, सेकेंड जोसेफ ब्रॉस टीटू फ्रॉम यूगोस्लाविया, एंड गमल अब्दुल नजर फ्रॉम इजिप्ट। इतना आपको लिखना ही है, ठीक है? जवाहरलाल नेहरू, टीटो एंड नजर फ्रॉम दीज थ्री कंट्रीज। सो व्हाट इज नाम? सो नाम व्हाट इज नाम, ऐसे ही कर दीजिए, सीधा सा आंसर है, ठीक है? वन पॉइंट। इमीडिएट रीजन, इमीडिएट रीजन फॉर इट्स फॉर्मेशन, तो इट फॉर्म्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ, इन द बैक ड्रॉप ऑफ टू ब्लॉक्स यूएसए एंड सोवियत यूनियन, ठीक है? फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है? फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर टू। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ नैम, नॉट टू रिमेन न्यूट्रल। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉट टू रिमेन न्यूट्रल बट टू टेक, बट टू डिसाइड ऑन मेरिट्स ऑफ ईच केस। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये है टू अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, अपार्थीट एंड टू एस्टैब्लिश थर्ड, एंड थर्ड पॉइंट लिख देंगे कि टू एस्टैब्लिश न्यू इक्विटेबल इंटरनेशनल ऑर्डर एंड देन यू विल टॉक अबाउट द क्राइसिस फेज। क्राइसिस फेज इसमें बात करेंगे एंड ऑफ कोल्ड वॉर इन ईयर 1991 विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। Of USSR, and then you will also write the already the exercise of decolonization had taken place, had taken place, ठीक है? तो crisis phase की भी बात आपने कर दी। Fourth बात करेंगे आप क्या? New rule. न्यू रोल ऑफ नैम, यहाँ पे आप बात करेंगे पीस टू एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश पीस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एंड इक्विटेबल ऑर्डर, इक्विटेबल ऑर्डर। फिफ्थ रेलेवेंस इन प्रेजेंट टाइम, ठीक है? इसमें आप बात करेंगे फर्स्ट इंटीग्रल, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी एज रिफ्लेक्टेड इन स्ट्रेटेजिक, स्ट्रैटेजिक
ऑटोनॉमी प्रिंसिपल, सेकंड बी, इसी में ही आप बी बात सेकंड बात करेंगे या बी बात कर लीजिए, क्योंकि एक ही पॉइंट है कि वॉइस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, सेकंड बात करेंगे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, प्रिंसिपल के लिए है। थर्ड अगर बात करेंगे तो साउथ 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 कोऑपरेशन, तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ठीक है, सिंपल, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप बात किसकी कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट अगर आप बात करेंगे तो पीसफुल पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। फिफ्थ पॉइंट अगर आप बात करेंगे तो अगेंस्ट न्यू अगेंस्ट इमर्जिंग न्यू इमर्जिंग, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट और लिखवा दे रही हूँ जो मैंने अभी अप्रोच से ज्यादा, इमर्जिंग न्यू इमर्जिंग असर्टिव पावर्स। यहाँ पे आप किसको काउंटर कर रहे हैं, तो चाइना। देखो चाइना जो है, अगेन दे ऑल्सो हैव फेस कॉलोनियलिज्म, बट अगर आज के डेट में देखा तो इट हैज बिकम एन असर्टिव पावर, तो वहां पे भी नाम इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। फिफ्थ अगर बात करें तो प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म फॉर कोऑपरेटिव सॉल्यूशन, एग्जाम्पल कोविड क्राइसिस। ठीक है, तो यहाँ पे भी समझ में आ रहा है। दो कंक्लूड कैसे करेंगे, दो नाम हैज बिन फेसिंग चैलेंजेस ऑफ इनएक्टिविटी, हाउएवर हाउएवर ओवरकमिंग दोस चैलेंजेस एंड मेंटेनिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन अंडरलाइंस द प्रेजेंट रेलेवेंस ऑफ नाम। यहाँ पे आपने एग्जामिनर को बता दिया कि रेलेवेंट भी है, आपने चैलेंजेस भी बता दिए, और आपने आंसर को होलिस्टिक तरीके से एड्रेस भी करा दिया है। तो ये अगेन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो किस तरह से हमने, एक बार मैं आपको फिर से अगर मैं आपको आंसर दिखाती हूँ तो ये देखिए, यहाँ से हमने आंसर शुरू किया है अपना। तो यहाँ पे आपने बात कर ली है किसकी, ये हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। यहाँ पे आपने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एड्रेस कर लिया है, पॉइंटर्स में आपने दे दिए हैं सारा ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट इज में ऑब्जेक्टिव्स, रोल प्रेजेंट क्राइसिस पीरियड एंड न्यू रोल की बात कर ली, और रेलेवेंस ऑफ द प्रेजेंट इन प्रेजेंट टाइम्स की बात कर दी, और आपने एक पॉजिटिव नोट पे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ कंक्लूड भी कर दिया। सो दिस इज हाउ यू एड्रेस अ क्वेश्चन इन अ होलिस्टिक मैनर, एंड दिस इफ यू राइट इज सच अ वे, मतलब ऐसा नहीं है कि जो सेंटेंस मैंने लिखवा है उसको आप याद कर लीजिए, सारे पॉइंटर्स को आपको याद रखना है। इट इज अ वेरी इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ अप्रोच दैट यू योर सेल्फ हैव टू डेवलप, बट वी आर हियर टू हेल्प यू आउट इन एवरी स्फीयर। सो यस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शंकर मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस। थैंक यू।